हेलो गाइस, मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है एलजी वॉशिंग मशीन के ऊपर। मैं इसमें आपको बताऊंगा एलजी वॉशिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन। और सबसे पहले हम इसका ये बॉक्स देख लेते हैं। ये बॉक्स है इसका, फिर मैं इसकी प्राइसिंग और मॉडल के बारे में डिटेल बता देता हूँ आपको। इसकी प्राइसिंग है 22,990 रुपये। जो मुझे एक्चुअल कॉस्ट पड़ा है इसका, वो पड़ा है 16,750 रुपये। और ये 9 kg का वॉशिंग मशीन है। और इसकी जो फुल रिव्यू मैं करूँगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। यहाँ तो दोस्तों मैं इसकी अब अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ ये कि इंडियाज फर्स्ट रेट अवे, मतलब इसमें चूहे नहीं जा पाएंगे। और ये 5 स्टार 5 ईयर की इसमें वारंटी है ऑन मोटर। और ये 5 स्टार 9 kg का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और इसकी लोड कैपेसिटी 9 kg। और ये वाटर कंज्यूम कर लेता है 18.5 kg साइकिल में। और इसका पूरा लुक देख लो एक बार। इसके और भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले इसका आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आप मशीन देखेंगे। उसके बाद ये ड्रेनेज पाइप, इसका यूज़ हम पानी को बाहर निकालने के लिए करेंगे। और ये है इसका पाइप, जिससे हम वाटर को इस टैंक में डालेंगे। और ये है इसका ड्रायर, ड्रायर देख सकते हैं आप कितने लोड का है ड्रायर। अब इसमें आपको मैं फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे ये वाटर के लिए है, और ये अगर आप ड्रायर में वॉश करना चाहते हैं एक बार कपड़ा, तो उसके लिए यूज़ होगा। और ये वाटर का कनेक्शन के लिए है। और ये इसका कितने टाइम के लिए आपको ये रोटेट करना है, जैसे 5, 10 मिनट्स, 15 सेकेंड, 15 मिनट्स और 35 मिनट के लिए आपको वॉश करना है। और ये इस आपका नॉर्मल धोना है, जेंटल यूज़ लेना है। स्ट्रॉन्ग जनरली कंबल यूज़ लेने के लिए होता है। जेंटल का यूज़ जैसे आप सर्दियों के कपड़े धोएंगे उसमें यूज़ ले सकते हैं। नॉर्मल में आप नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं वो है। और इसमें पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन है, इसका यूज़ करके आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं, वाटर को यूज़ कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है ड्रायर के लिए, कितने मिनट के लिए ड्रायर यूज़ करना है। 1 to 5 मिनट्स का है यूज़। और ये इसका अंदर से यूज़, अब मैं इसका यूज़ करके भी आपको बताऊंगा कपड़े धो के भी। पहले हम इसका ड्रायर एक बार दोबारा देख लेते हैं, और कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको बता सकता हूँ मैं। और इसका यूज़ है, अगर जैसे आप ड्रायर में अपने कपड़े डालें, उसके बाद कोई कपड़ा आपका बाहर ना गिरे, इसके यूज़ में के लिए ये यूज़ लिया जाता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस ड्रायर में जब मशीन हिलती है तो ये बाहर भी आ सकता है। इसके लिए इसका यूज़ लेंगे। ये 5 स्टार रेटिंग वाला सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, 9 kg का। और ये पावरफुल मशीन है, और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यूज़ हो सकते हैं इसमें। मैं आपको कपड़े भी डाल के बताऊँगा। वैसे मैंने इसको 2-3 बार यूज़ कर रखा है पहले भी, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसमें कपड़े धो के देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल रहे हैं, हमको इसको पानी से पूरा भरना है, जितने कैपेसिटी से आपको कपड़े धोने हैं। हम डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्पिन करूंगा, जिससे इसमें थोड़ा झाग बन सके। थोड़ा इसमें झाग बनेगा, तब इसमें हम अगले प्रोसीजर पे जाएंगे इसके। हम फिर इसमें कपड़े डालेंगे। इसमें कपड़े डालने स्टार्ट करते हैं।
इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मैं इसको मशीन को स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं इसका टाइमर कर देता हूँ 15 मिनट के लिए, और नॉर्मल पे ठीक रहेगा। और हम इसको अब धुलने देते हैं। और जब दोस्तों मेरा पूरा टाइमर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको इसका दिखाऊंगा कैसा धोया है इसने। देखा जैसे फ्रेंड आपने, जैसे ही अपना कपड़ा टाइमर स्टॉप हुआ ये बजर बजने लगा। आप कोई और काम भी करके आओगे तो इसमें बजर बजने लगेगा और आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कप धोया किस तरह से है। काफ़ी अच्छा धोया है। अब मैं इसको ड्रायर करके आपको दिखाऊंगा और उसके साथ ही मैं इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। क्योंकि एक तो प्रोज ये है, ये काफ़ी अच्छा कपड़ा धोता है और काफ़ी कम पानी यूज़ करके। हाँ तो मैं आपको इसका प्रोज बता रहा था, जो ये काफ़ी कम पानी काफ़ी कम डिटर्जेंट में अच्छी धुलाई करता है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी बचाता है और अच्छी धुलाई करता है और पावरफुल मोटर है इसकी। और कॉन्स इसका ये काफ़ी है, आवाज़ करता है और इसका ड्रायर भी काफ़ी आवाज़ करता है। मैं इसको ड्रायर में डाल के आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों अब मैं इसमें ड्रायर में कपड़े डालने वाला हूँ। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि कपड़ा कितना अच्छा सूखा पड़ता है। और ये कैप हमेशा लगा के रखे इसमें। मैं ड्रायर चालू करने वाला हूँ। इसकी साउंड थोड़ी ज़्यादा होती है जिसमें ये रही कौन था। और मैं इस मशीन को 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने। और ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।